चलिए अब देखते हैं फोटोशॉप के ऊपर हम स्प्रे का इफेक्ट कैसे बना सकते हैं और उस स्प्रे इफेक्ट को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। स्प्रे इफेक्ट जैसे कि इस फोटो पे हम क्लिक करते हैं और ये फोटो हमारे पास मौजूद है, आपके सामने नजर आ रहा है। इसके हाथ में एक बॉटल परफ्यूम है, हल्का सा स्प्रे इसके ऊपर ये इस तरह से नजर आ रहा है। हम इसको थोड़ा सा और ब्राइट करके एक स्प्रे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करके इस फोटो को अनलॉक कर लेते हैं और अनलॉक करने के बाद हम यहाँ पर एक अदद लेयर ऐड कराते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ से क्लिक करना है और ब्रश ले लेना है, ब्रश की जो हार्डनेस है उसको कम कर लेना है, ब्रश का साइज कितना बड़ा स्प्रे होना चाहिए उसके हिसाब से रख लेना है। इवन मोर बड़ा करना चाहें तो इवन और भी बड़ा कर सकते हैं आप। क्लिक करना है, फिर आपने कलर लेना है यहाँ से वाइट या थोड़ा सा ग्रीश कलर ले लेना है थोड़ा सा, और देन आपने इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको कंट्रोल टी दबाना है। कंट्रोल टी कीबोर्ड से जैसे ही आप दबाएंगे इसके लेयर अलग है तो ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से मैंने आपको सिखाया था पर्सपेक्टिव के बारे में कल, तो यहाँ से आपने एक पर्सपेक्टिव का ऑप्शन लेना है, एडिट में जाना है और एडिट में जाने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाना है, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद पर्सपेक्टिव पर जाना है। जैसे ही पर्सपेक्टिव लेंगे आप, इसका शॉर्टकट भी है राइट बटन दबा के, यहाँ पर भी अगर आपको ये ऑप्शन मिल जाता तो देखिए यहाँ से भी आप ले सकते हैं कि माउस से राइट बटन दबाएंगे पर्सपेक्टिव ले लेंगे। फिर इसका ये कॉर्नर इसकी पोजीशन पे लेकर आना है, ये यहाँ से हमने इसको इस पोजीशन पे कर दिया, तो ये कुछ जाके इस तरह का इफेक्ट बनेगा, ठीक है। और क्लिक करके इसको मूव टूल से अप्लाई कर दिया। फिर आपने क्या करना है, थोड़ा जूम कर लें, देखें इसकी लेयर अलग है, ये इधर नजर आ रही है आपको, इस पर रखिए रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल लेंगे, सिलेक्शन को इस तरह से बनाना है या और थोड़ा सा इस तरह से, और फिर इसकी लेयर पे क्लिक करके कंट्रोल जे दबा देना है। जैसे ही कंट्रोल जे दबाएंगे तो आप देखेंगे कि जो नीचे वाला हिस्सा है अलग से कॉपी होके नई लेयर पर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए जैसे ही ये नई लेयर पर आया तो हम इस लेयर को ऑफ कर देते हैं और ये आपको मिल गया यहाँ पर। फर्दर मोर अगर ये कुछ ज्यादा ऊपर वाला हिस्सा आ गया है तो आप इरेजर भी यूज कर सकते हैं और ऊपर वाले हिस्से को आहिस्ता आहिस्ता हल्का भी कर सकते हैं। इसके बाद इस पे क्लिक करके दोबारा से कंट्रोल, मैंने इसको इनविजिबल कर दिया ना, ये दोनों थे ना इस पे, इस पे क्लिक करके कंट्रोल टी दबाएंगे ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट होगा, एंड देन फिर आपने इसको पकड़ना है, यहाँ से मूव करना है, यहाँ ले आए, यहाँ कॉर्नर पे रख के आपने इसको रोटेट करना है इस तरीके से, और अगर थोड़ा बड़ा करना है तो ऑल्टर शिफ्ट के साथ कॉर्नर से पकड़ के डायगोनली इस तरह से बड़ा कर ले जितना बड़ा करना चाह रहे हैं आप, और इसको यहाँ पर इस तरह से सेट कर देना है। क्लिक कर दें, अप्लाई हो गया, ये देखिए, ठीक है। फर्दर मोर आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करें और यहां से ब्लेंड मोड ले लें, नॉर्मल डिसॉल्व डार्केन, ये देखिए ये भी अच्छा ब्लेंड मोड है, विविड लाइट, लेकिन ये इतना हाईलाइट नहीं हो रहा, तो मेरा ख्याल ये है कि डिसॉल्व सही रहेगा। डिसॉल्व लेने के बाद अब आप क्या करें, फॉर एग्जांपल के इस पे क्लिक करें और थोड़ी सी इसके फिल को लाइट कर दें, ठीक है।
और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे डॉट्स आ रहे हैं फैलने पर, उनको आप इरेजर से इरेज कर रहे हैं और इनको एक डायरेक्शन में ले आए। इसके बाद कंट्रोल जीरो दबाएं स्क्रीन पर, एडजस्ट करके देखें और जूम आउट करके देखें, फिल एरिया को और कम करा जा सकता है। तो ये इस तरह का इम्पैक्ट इस पर डाला जा सकता है कि ये इसके ऊपर इस तरह से हो रहा है। यही चीज़ आप किसी भी ट्यूबलाइट या टॉर्च की लाइट का इफेक्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये इम्पैक्ट बना सकते हैं। फर्दर मोर आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे जिस तरह का चाह रहे हैं, उस पर इम्पैक्ट क्रिएट करना है, इसे पूरा कर दें, हल्का कर दें, लाइट कर दें, ये आपके हाथ में है। और इस तरह ये इफेक्ट आप बना लेंगे, ठीक है। चलें इसको भी ऑफ करते हैं इसको।